लोकस आवलिक रीजन इन आर्गन क्ले आर कॉम्प्लेक्स क्ले, ठीक है। तो ले पी जे पॉइंट इन आर्गन क्ले पॉइंट पी जे है व्हिच मूव अबाउट ए फिक्स पॉइंट जे प्ले जे क्यू पॉइंट पी में, ठीक है। ये पॉइंट पी एक फिक्स पॉइंट जे क्यू के अबाउट मूव करता है which is arranged at constant distance r, ठीक है। तो इसका जो है रीजन क्या होगा, लोकस क्या होगा बताओ। इसका लोकस जो है एक सर्किल होगा ना, एक सर्किल होगा इसी डायरेक्शन ना। तो देखिए इसमें आपको कंडीशन क्या दी है, कंडीशन दी है कि op is equal to r, ये कांस्टेंट है, op is equal to r क्या है कांस्टेंट है। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम ओ क्या है कांस्टेंट, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कैसे निकालेगा, डिस्टेंस है जेड माइनस जेड जीरो से निकलेगा ना, हाँ जेड माइनस जेड जीरो इसको टू क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। तो जेड की वैल्यू कितना है, जेड की वैल्यू एस प्लस आल्टा वाई में और जेड जीरो की वैल्यू क्या है, जेड जीरो की वैल्यू आपका एस जीरो और प्लस आल्टा वाई जीरो मॉड इसको टू आर, जिसको क्या लिखेंगे मॉड एस माइनस एस जीरो और प्लस आल्टा वाई माइनस वाई जीरो ना इसको टू आर, जैसे क्या लिखेंगे रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स जीरो होल स्क्वायर और प्लस वाई माइनस वाई जीरो होल स्क्वायर इसको टू आर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। और तो बोथ साइड स्क्वायर करने क्या मिलेगा, एक्स माइनस जीरो एक्स माइनस एक जीरो होल स्क्वायर और वाई माइनस वाई जीरो होल स्क्वायर इसको टू आर हो जाएगा ना। तो यहाँ से एक्स माइनस एक्स जीरो होल स्क्वायर और प्लस वाई माइनस वाई जीरो होल स्क्वायर इसको टू क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है ना, इसको टू आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो रिजल्ट क्या मिला बताइए, इफ ए पॉइंट मूव फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस देन लोकस ऑफ पॉइंट इज सर्कल, रीजन ऑफ पॉइंट बाउंडेड रीजन बाउंडेड बाय पॉइंट क्या होगा, सर्किल होगा, सर्कुलर रीजन ना ऑफ रेडियस आर एंड सेंटर एस जीरो वाई जीरो, इसका सेंटर कितना बताओ, सेंटर ऑफ सर्किल कितना बना एस जीरो वाई जीरो, रेडियस कितनी बना है, रेडियस ऑफ वाई जीरो रेडियस, ठीक है। चलिए टॉपिक